Today on Sound Custom Gurus. हेलो गाइस, वेलकम बैक टू साउंड कस्टम ग्राज वंस अगेन। सो दोस्तों, हमारे आज के इस नए वीडियो में आप लोग रहने वाले एक और यूनिकली कस्टमाइज स्केल मॉडल, जो कि एक्चुअल में एक हॉट व्हील्स की कार है, द आइकॉनिक लैम्बोर्गिनी कॉन्टर्स पुलिस कार। तो क्या आप इस कार को देखने के लिए तैयार हो? ओके, इस कार से आने ही वाला है। 1, 2 and 3। The iconic Lamborghini Countach police car, ये देखिए। सबसे पहले कि मैं आप लोगों को इस कार के बारे में और भी बताऊं, इसलिए कार का एक छोटा सा रिव्यू ले लेते हैं। हाँ, तो ये कार, वेल जितना कि मुझे याद है, मैंने कार आई थिंक 2019 में खरीदा था, 2019 के शुरू में या फिर 20 में, मुझे याद नहीं, लेकिन तकरीबन 2 साल से ज़्यादा हो गया है। मैंने कार तभी खरीदा था जब हॉट व्हील्स ने स्मॉल को एकदम नया नया लॉन्च किया था। वैसे तो ये ओरिजिनली एक पुलिस कार ही था, लेकिन इसकी डिटेलिंग उतना का स्मूथ नहीं था, कुछ कुछ जगहों पर पेंट लगा था और कुछ कुछ जगहों पर पेंट उतना स्मूथ नहीं हुआ था, और इसलिए मैंने कार को फिर से डिटेल कर दिया ताकि अधिकतर में बिल्कुल एक एक्चुअल पुलिस कार की तरह दिखे। सो फाइनली बात उठा है आपको कार के सारे मॉडिफिकेशन और डिटेलिंग के बारे में बताने का कि इस कार में एक्चुअल में क्या क्या सेंसर डन हुआ है। तो सबसे पहले बारी आती है कार की फ्रंट एंड, अगर फ्रंट एंड की बात करें तो फ्रंट एंड में आप लोगों को सबसे पहले मैं इस ग्रिल के बारे में बताना चाहूँगा। सो इस वाला ग्रिल दिख रहे हैं, वैसे तो ये इतनी अच्छी तरह से नजर नहीं आ रहा है, लेकिन ये वाला जो हिस्सा है ये पहले ब्लू कलर का था, पर मैंने इसे ब्लैक कलर में पेंट कर दिया, और ब्लैक कलर में पेंट करने की वजह से अब ग्रिल वाला पार्ट थोड़ा सा ज़्यादा बेटर हो गई है और ज़्यादा रियलिस्टिक हो गई है, और मैंने हेडलाइट्स में भी कुछ ब्लैक कलर की बॉर्डरिंग ऐड कर दिया। पहले तो हेडलाइट सिर्फ सिल्वर कलर का था, लेकिन मैंने साइड में कुछ और ब्लैक कलर की बॉर्डर्स भी ऐड कर दिया, जिसकी वजह से हेडलाइट्स भी देखने थोड़ा सा रियलिस्टिक हो गई है, और साथ में ये जो हुड वाली जो पार्ट है इसे भी पूरी तरह से वॉल रैपिंग किया गया है। ये पहले ओरिजिनली किस कलर का था मुझे याद नहीं, क्योंकि ये सारी डिटेलिंग का काम भी मैंने 2019 में किया था, सो इसलिए मैं भूल गया हूँ कि इसकी ओरिजिनल डिटेलिंग कैसा हुआ करता था, लेकिन इसकी कलर ओरिजिनली भी वैसे ब्लू और वाइट ही था, पर मैंने वाइट की बजाय सिल्वर यूज़ किया है, और सिल्वर यूज़ करने के बाद से कार की जो डिज़ाइन है वो ज़्यादा बेटर दिख रही है, और यहाँ पर आप लोग एक छोटी सी लोगो टाइप का हिस्सा भी नजर आएगा, और यहाँ पर सामने विंडशील्ड वाइपर्स में भी थोड़ी बहुत डिटेलिंग ऐड किया है। इन सब डिटेलिंग की वजह से आप ये कार सामने से कितनी कमाल की दिख रही है वो आप खुद ही देख सकते हैं। और अगर बात करें कार की साइड प्रोफाइल में, तो साइड प्रोफाइल में भी सबसे पहले मैं आप लोगों को इस डोर के बारे में बताना चाहूँगा। सो ये जो डोर वाली जो पार्ट है इसे भी पूरी तरह से वॉल रैपिंग किया गया है। आई थिंक ये भी पहले व्हाइट कलर का ही साइड था, लेकिन मैंने इसे बाद में सिल्वर कलर की वॉल रैपिंग कर दिया, और सिल्वर कलर की वॉल रैपिंग कर देने के वजह से अब ये डोर वाला पार्ट ज़्यादा बेटर हो गई है और ज़्यादा रियलिस्टिक हो गई है, और साइड में ये जो वेंट वाली जो पार्ट है इसे भी ब्लैक कलर में पेंट कर दिया गया है। पिलर्स और बाकी ये जो लाइट बार है, लाइट बार में भी ये सिल्वर वाला हिस्सा बाद में ऐड किया गया है, क्योंकि पहले लाइट बार पूरा रेड कलर का था, लेकिन क्योंकि एक्चुअल पुलिस कार में बीस वाला पार्ट हमेशा सिल्वर कलर की होता है,
और वही चीज़ ध्यान में रखकर मैंने इस 20 वाले पार्ट को सिल्वर बना दिया, और इसके बाद आप कार देखने में थोड़ा सा और बेटर दिख रही है और पहले से ज़्यादा रियलिस्टिक दिख रही है। और आखिर में बारी आती है कार की रियर एंड की। अगर रियर एंड की बात करें तो रियर एंड में कुछ यूनिक चीज़ें बनवाए। सबसे पहले मैं इस रियर एंड के बारे में बता चाहूँगा। तो ये वाली जो पार्ट है ये पहले पूरा ब्लू कलर का हुआ करता था, पर बिल्कुल फ्रंट व्हील की ड्राई मैंने इसे भी ब्लैक कलर में पेंट कर दिया। टेल लाइट्स और बाकी जो कुछ भी इंडिकेटर जैसी चीज़ें मैं इन सब में बाद में ब्लैक कलर की रेड कलर की या फिर ऑरेंज कलर की थोड़ी बहुत डिटेलिंग ऐड करने की सोच रहा हूँ, लेकिन अभी नहीं, वो नेक्स्ट फ्यूचर में होगा। और ये जो कुछ भी सब वेंस वगैरह जो कुछ भी हिस्से इन सब चीज़ों को भी बाद में रीडन किया गया है, यानी कि सब बाद में पेंट कर दिया गया है। ये वाली जो पार्ट है इसे भी पूरी तरह से वॉल रैपिंग कर दिया गया है। आई थिंक ओरिजिनल कार में शायद ये वाला हिस्सा ब्लू कलर का ही था, पर मैंने इसे बाद में यहाँ पर स्टिकर लगा दिया, यानी कि वॉल रैपिंग कर दिया। और वॉल रैपिंग करने की वजह से अब इस कार में एक प्योर सिल्वर और ब्लू का एक कॉम्बिनेशन आ गया। इन सब डिटेलिंग की वजह से अभी कार रियलिस्टिक नहीं बल्कि और भी ज़्यादा बेटर दिख रही है। इनफैक्ट कार को ओरिजिनल भी ऐसा ही होना चाहिए था, लेकिन क्योंकि हॉट व्हील्स वैसे भी अपनी मॉडल्स उतना खास अच्छी तरह से डिटेल नहीं करते, और इसीलिए कुछ डिटेलिंग की कमी होने की वजह से कार्स उतना रियलिस्टिक नहीं दिखता है। लेकिन इन सब डिटेलिंग की वजह से अब ये बिल्कुल एक एक्चुअल पुलिस कार की तरह ही दिख रही है। हाँ, सो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। फिल्म रहा की मेरी एक और नई वीडियो में जिसमें मैं आप लोगों ऐसे ही और भी कमाल की कस्टमाइज की गई और मेरी खुद की तैयार की गई स्केल मॉडल कार्स दिखाने की कोशिश करूंगा। लेकिन तब तक अगर आपको आज का ये वीडियो समय पसंद आया तो डोंट फॉरगेट टू लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड आल्सो क्लिक द बेल आइकन सो विल गेट नोटिफिकेशन ऑफ एवरी न्यू वीडियो। एंड थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। हैव अ नाइस डे।